लुधियाना रेलवे स्टेशन तो भेद भरे हालातों में लापता हुई नाबालग कुड़ी नूं कुछ ही घंटिया दे विच जीआरपी ने बरामद कर लिया, जबकि लड़की का भरा होने का दावा करने वाला उसनूं बिहार तो अगवा करके लियाया सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे जीआरपी दे एसपी बलराम राणा ने दस्सिया कि बीते दिन सवेरे करीब 11:30 एक नौजवान ने उन्हां नूं शिकायत दित्ती सी कि उसकी भैन नूं रेलवे स्टेशन तो अगवा कर लिया गया, पर जदों उस कोलों पुछगिछ की गई तो मामला वक्रा ही निकलिया। उत्थे ही पुलिस ने पीड़ित लड़की नूं डोलेवाल चौंक नेड़ियों बरामद कर लिया ते लड़की ने दस्सिया कि यह दोषी उसनूं वरगला के अगवा करके लिया। बिहार के संबंधित थाने दे पुलिस नूं सूचित कर दिता गया ते उत्थे दी इक टीम बच्चे नूं लियाउण दे लई रवाना हो चुकी है, जबकि दोषी नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ते टीवी ते पंजाब हरियाणा लाइव। कल करीब 11:30 दिने एक इनफॉर्मेशन आई, एक मुंडा आया साढ़े को, उन्हें दस्या कि मेरी नाबालिग भैन जो असी बिहार तो पंजाब आए सी लुधियाने रेलवे स्टेशन, मेरी 13 साल की नाबालिग भैन सी उन्हों कोई किडनैप करके ले गया। तो जदों असी उहदे नाल पुछगिछ करनी शुरू की थी, क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची होने दे किडनैप का सी, तो असी गंभीरता नाल जदों पुछगिछ शुरू की थी तां वह बारी बारी अपने बयान बदलता सी, कदी वह किसी भी उहदा संतुष्ट जिहा जवाब नहीं दे पा रहा सी। असी उन्हों डिले का कारण पुछिया, उन्हें दस्या कि रात 3 बजे की यह घटना है 21 ते 22 की रात की, तो असी पुछिया कि तू 11:30 बजे साढ़े कोल आया इनफॉर्मेशन लेके, तो हुण तक तू कित्थे सी? उन्हें दस्या कि मैं ढूंढ रहा था, पर जदों CCTV देखे, जदों असी अपने सीनियर अफसरान वाला दी नॉलेज लेके आए, तो साढ़े मानयोग स्पैशल DGP साहब मैडम शशि प्रभा जी द्विवेदी जी, उन्हां दी नॉलेज ये मैटर आया, तो उन्होंने सानू गाइड करना शुरू करता, तो असी पड़ताल शुरू की, तो पता लगा कि भी कुड़ी है जिहड़ी वो अपनी सहमति नाल किसे दे नाल जा रही है। तो फिर उस तो बाद अहीं उहदी खोज शुरू करते जी। सर किस तरह मतलब मामला की सीगा कि जो तुसीं दस्सिया बरामद कित्थों होई आ, किहड़े हालातां च होई आ, और जिहड़ा व्यक्ति लैके गया की सीगे मंशा की सी? सर मामला तो बाद च जदों कुड़ी रिकवर हुई सानूं उस तों बाद पता लगा कि भी जिहड़ा व्यक्ति कल कुड़ी दा भरा दसदा पिया सी अपने आप नूं, वह असल विच वह बिहार तो कुड़ी नू बहला फुसला के बरगला के भजा के लेके आया सी, जिथे उहदा मुकदमा दर्ज है बिहार च। ते मतलब यही है कि भरा जिहड़ा अपने आप नू दस रहा सी उही उहदा आशिक सीगा? आशिक तां तुसीं कह सकदे हो जी, वह उहनू भजा के लेके आया साडा, कल तक तां वह मुद्दे ही सी, दरखास्त देंदा उही सी जिहदे कल तक तां उहदा भरा ही सी, उह तां कुड़ी रिकवर होने तो बाद कुड़ी ने दस्सिया कि ये मैनू उत्थों भजा के लैके आ। ते लड़की दे जिहड़े परिवार वाले कौन, उहनां नाल कोई संपर्क होया तुहाडा कोई गल्लबात? थाने संपर्क हो गया, उत्थों बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होया है, तो पुलिस पार्टी उत्थों रवाना हो चुकी है, जदों उरे आउंदी है फिर असीं उहनां दे हैंड ओवर कर देवांगे। ते सर लड़की दे किस तरह दे हालात जदों तुसीं लै इत्थों बरामद होई है, किस तरह दे हालात? कुड़ी नॉर्मल हालातां सी, इहदा मतलब कि मामला जदों तुसीं गए कोई लड़की मिली तुहानूं? करीब 8 बजे दा रात दा, अहीं 8 बजे रिकवर करा ली सी ढोले वाल ते चौंक दे विच, ओह आराम नाल ही बैठी होई सी, ते CCTV फुटेज दी मदद नाल सानूं उहदे लिबास तों, उहदे सूट सलवार तों जो उहनें पहरावा सी उस तों सानूं पता ही लग गया कि वी लाल रंग दे। लड़की ने यही दस्या कि भी जिहड़ा मुलजम है अविनाश, उन्हें अपना नाम दस्या सी, कल मीडिया ने खबरां भी चलाईयां वैसे तां, ते ओ मैनू भजा के लैके आया, ते इत्थे उन्हां दी किसे गल्लों बहस बसाई हो गई ते ओ इत्थों चली गई। किसे दिन किवें सर देखदे हो कि लड़की हुण वापस अपने घर जाना चाहती, किस तरह? बेटी तो हुण नाबालिग है जी, बिहार पुलिस तुरी हुई है, मुकदमा दर्ज है, उत्थे वो तो जाऊगी जी। इत्थों किहदे नाल गई है? स्टेशन तो कोई अननोन बंदा सी, उन्हों उन्हें कहा कि मेरे रिश्तेदार इत्थे रहिंदे आ शेरपुर चौंक दे नेड़े ढोले वाल, ते मैं उत्थे मैनूं छड्ड दो। उन्हें किन्नी क तुहानूं मेहनत करनी पई और किन्ने घंटे च सॉल्व होया जी?
सर मेहनत था जी सवेरे जदों सानू 11:30 बजे ही साडा काम तो शुरू करता इन्हां ने नाबालिग कुड़ी दी किडनैपिंग करदे सी जदों पता लगा कि भी अपनी सहमति नाल किडनैपिंग तो सी नहीं उह ते साडे SHO साहब जतेंद्र सिंह जी ते RPF दे इंचार्ज साहब शैलेश जी सानू तो भगदड़ पाती इन्हां ने नाबालिग कुड़ी होण करके सानू बहुत औखा हो गया सी ते रात 8 बजे दे करीब असीं रिकवर कर ली सी हिसाब ला लो मेरे ख्याल 7-8 घंटिया असीं इह कुड़ी। सर इस तरह के भी देखा जाता रेलवे स्टेशन से बहुत सारे इस तरह केस होंगे आ कोई जिवें तुसीं दस्सिया हुण सानू कि लड़की अपनी मर्जी नाल आई है बाद विच परेशानी की कुछ सर अपील करना चाहते हो लोगों को की कुछ कहना चाहते हो? यही अपील है कि भी अपने बच्चों को सामभ के रखो बच्चों अपने बच्चों दोस्ती करके रखो जो तुम अपने बच्चों दोस्त नहीं बना दे तो होर कोई शरारती आंसर कह सकते हैं माड़ा व्यक्ति वो यारी पा लेंदा है क्योंकि एक उम्र आती है जदों बच्चा कोई सहारा लभदा है अपना दोस्त बनाना चाहता है जे कोई गलत वह दोस्त बन जाता है तो फिर माड़े। सर ज्यादातर देखने को मिलता सर नाबालिग लड़की होंगे ने की लगता तो माँ बाप वालों भी थोड़ा जा ये बारे तो आप की कह सकते हैं माँ बाप यही अपील है कि अपने बच्चों का ख्याल रखो बच्चों दोस्ती वाला वतीरा रखो एक उम्र तो बाद वो बच्चे नहीं रहते क्योंकि जो हॉर्मोन चेंज होंगे है तो वह बच्चे बच्चा जो जवानी कदम रखता है तो वह बड़ा ख्याल रखना पैदा। मैडिकल करा के असी CWC कमेटी के अगे पेश करता सी हूँ कमेटी जो चाइल्ड होम के बच्ची ठीक है।